बोल तो मेरी जान करेंगे मौज। कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से जनता आपको ऊपर की तरफ ले जाती है, उसी तरीके से जनता आपको नीचे भी गिरा सकती है। आपका घमंड आपको खा जाएगा। जिस तरीके से रानू मंडल का घमंड उनको दोबारा से जमीन पे ले आया, जैसी वो थी ऐसे कर दी। इसी तरीके से काचा बादाम पे चाचा बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, लेकिन दोबारा से वहीं पे आ गए। अब ये वंशिका बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लोगों को इनका इतना बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन अब इनको हेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। हेट क्यों मिल रहा है, सबसे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए अभी आपने छोटी सी क्लिप देखी, अब मैं आपको समझा देता हूँ उस क्लिप में था क्या। देखिए यहाँ से ये भाई इनके घर पे गए, इनके दरवाजे पे लिखा हुआ था कि बिना परमिशन के अंदर आना मना, यानी कि बिना परमिशन के इनको उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि देखिए आपका हम प्रमोशन कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, अभी आप जितना भी वायरल हुई हैं, जितना भी आपका नाम हुआ है, वो इन जैसे भाइयों की वजह से ही आपका नाम हुआ है। इन जैसे भाइयों की वजह से आप इतना ऊपर उठी हो। अब कैसे उठी हो, देखिए किरण नायक ने तो अपना बता ही दिया था कि मैं ही वो लड़की हूँ जो काली साड़ी में डांस कर रही हूँ, उनका नाम पूरी तरह से हो चुका था। लेकिन इन जैसे भाइयों ने इनके घर पे गए और इनकी वीडियो बनाई, इनको वायरल किया, इनके डांस को दिखाया कि असली जो लड़की है वायरल वो वंशिका ही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ही इनमें रोल है कि इनका इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बड़ा इनका फेम हुआ। और रही बॉलीवुड की बात, तो देखिए अभी तो वो उत्तर कुमार के साथ ही पहुंच चुकी है, उत्तर कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई, उत्तर कुमार के साथ ही उनकी कोई मूवी या फिर गाना आने वाला है। तो बॉलीवुड में भी चांस है कि वो जा सके, लेकिन फिलहाल उत्तर कुमार के साथ उनका कोई गाना या फिर वो आने वाला है। आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना कि लोगों से उनको मिलना चाहिए या फिर नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।